गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज बात करेंगे निमांस की। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं इस वक्त खड़ी हूँ निमांस हॉस्पिटल बैंगलोर के सामने। तो मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो निमांस का फर्स्ट गेट है, ठीक है। तो निमांस है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। फुल फॉर्म मैं आपको बता दूँगी यहाँ पर। तो मेरे पीछे जो देख रहे हैं, अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ खड़े होकर वीडियो कर रही हूँ। आते वक्त मैंने आपको दिखा दिया है कि कहाँ से रास्ता है। तो ये जो जगह है, ये जगह है आपका। कैसे आना है पूरा डिटेल्स मैं आपको बता दूँगी। ये जो जगह है, इस जगह का एग्जैक्ट नाम जयनगर के आसपास है ये। और यहाँ पे निमांस बहुत फेमस है, तो आप कहीं से भी आइए, इस निमांस फर्स्ट गेट बोलिए, ये लोग पहुँचा देंगे। और आपको रहने के लिए जो जगह चाहिए, जो निमांस के आसपास रहने की जगह होती है, वो है फिलहाल, ये देखिए मेरे पीछे पूरा जो है न्यूरो साइंस का पूरा मेडिकल कॉलेज है। ये अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कोशिश करूँगी कि कुछ कुछ पिक्चर्स मैं आपको पकड़ के दे दूँ। मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ अगर मिल जाते हैं मुझे तो मैं लेके दे दूँगी। अदरवाइज़ निमांस का जो सिस्टम है वो मैं आपको डिटेल्स में बता दूँगी। यहाँ रहने के लिए थोड़ी दूर पर एक विल्सन गार्डन बोल के जगह है, उसी के आसपास आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। और बाकी यहाँ जो फर्स्ट गेट मैंने आपको दिखाया है, देखिए मेरे पीछे जो फर्स्ट गेट है, वो जो फर्स्ट गेट है वहाँ पे जो बैरिकेड लगा हुआ है, वहाँ पे आपको सुबह 2 बजे से, यहाँ पे ऑफलाइन का सिस्टम मैं बता रही हूँ, 2 बजे से यहाँ पे लाइन लगता है। और यहाँ पे एक टोकन दिया जाता है, ऑलमोस्ट 11:30 तक एंट्री होती है। रजिस्ट्रेशन का टाइम है 8:30 बजे से 11:30 बजे तक, लेकिन उसके लिए 2 बजे यहाँ पे ऑफलाइन के लिए 9 लगता है। सबको पता है ऑनलाइन सिस्टम क्या है, ऑनलाइन सिस्टम अलग चीज़ है, और ऑफलाइन में आपको यहाँ आके लाइन देना पड़ेगा। वहाँ पे टोकन मिलेगा, टोकन देने के बाद उसको फिलअप करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है सिर्फ 20 रुपये में। और 20 रुपये में उसके बाद आपका असेसमेंट होगा। असेसमेंट होने के बाद आपका डिसाइड होगा, अगर आपके स्कैन रिपोर्ट्स, आपके पास स्कैन रिपोर्ट्स वगैरह अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर लेकर आइएगा। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है, और फिर आपको किस डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा, मतलब न्यूरोलॉजी के किस डिपार्टमेंट में, न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसाइक्रेटिस्ट, ये तीनों डिपार्टमेंट में से आपकी ज़रूरत क्या है उसके हिसाब से आपको भेजा जाएगा डिफरेंट जगह पर। तो यहाँ तक मैं डिटेल्स यहाँ खड़े होकर शेयर करती हूँ। बाद का जो डिटेल्स है मैं आपको पूरा जो डिटेल्स है आराम से बैठ के बता दूँगी। ये डिटेल्स बहुत काम की चीज़ है, अगर आपको ज़रूरत है तो वीडियो को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं विल्सन गार्डन से आप पहुंचेंगे कैसे निमांस में। यहाँ पे ऑटो अवेलेबल है जो कि 30 रुपये में, आप एक आदमी जाए, दो आदमी जाए, वो 30 रुपये में आपको निमांस फर्स्ट गेट में छोड़ देगा। तो विल्सन गार्डन से 10 मिनट का रास्ता है, वहीं पे सारे होटल्स हैं, आपको होटल्स जो भी कहे, लॉज वगैरह जो भी कहे, वहाँ पर मिल जाएगा। 600 रुपये से स्टार्टिंग है वहाँ पर रहने के लिए, आपको फूडिंग अलग से लेना पड़ेगा। आपको वहाँ पे अवेलेबल रूम्स मिल जाएंगे, यहाँ तक कि खाना पकाने वाला भी रूम्स मिल जाएगा। तो ये जो है, ये फर्स्ट गेट जिसकी मैं बात कर रही थी, यहाँ पे जो है मैं आगे आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर जो है ये फर्स्ट गेट के ऑपोजिट में दूसरा बिल्डिंग है, और फर्स्ट गेट में ही यहाँ पे आपको लाइन लगा देना पड़ता है सुबह के। लोग यहाँ पर 2-2 बजे से आके लाइन लगते हैं, और लाइन में लगकर फिर टोकन दिया जाता है आपको 8 बजे के आसपास। उस टोकन को फिलअप करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन किया जाता है 11:30 बजे से, 8 बजे से 11:30 बजे के आसपास रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं, अलाउड है। वहाँ पर 20 रुपये आप जमा करेंगे, जमा करने के बाद आपको फिर एक लाइन में एक जगह पे और काउंटर नंबर 1 में खड़े होना पड़ेगा, गेट नंबर 1 में खड़ा हो जाना पड़ेगा। यहीं पे गेट नंबर 1 के सामने ही एक जगह है जहाँ पर आपको बैठना पड़ेगा, फिर वहाँ से एक एक करके बुलाया जाएगा असेसमेंट के लिए।
असेसमेंट हो जाने के बाद आपका डिसीशन होगा। अगर आपके पास पहले की रिपोर्ट्स है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो लोग रिपोर्ट्स करने के लिए बोलेंगे। आपको प्रॉब्लम्स आप बताएंगे, उसके हिसाब से आपको डिपार्टमेंट चूज़ करके दिया जाएगा, आपको कौन से डिपार्टमेंट की ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी बात है, मैंने यहाँ पहली बार आके जाना है कि यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जो जगह है साइड में, यहीं से लाइन लगता है, गेट बंद रहता है, जो मेन गेट है ये बंद रहता है। और आप भीड़, अभी तो जब मैंने वीडियो लिया है तब तक रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया था इसलिए, और वीडियो अंदर अलाउड नहीं है तो मैं नहीं ले पाई वीडियो। तो यहाँ पर देखिए अभी भी लोग खड़े हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो जो सिस्टम है 100-200 लोगों की बैठने की सिस्टम है वहाँ पर। आप जितनी जल्दी आएंगे 2 बजे उतनी जल्दी आपका रजिस्ट्रेशन। अभी जो वीडियो मैं कर रही हूँ ये मैं घर में आने के बाद कर रही हूँ, निमांस का वहाँ तक पार्ट मैंने आपको दिखा दिया है। अब बात करते हैं ऑनलाइन सिस्टम की, ऑनलाइन सिस्टम क्या है निमांस में पहुँचने के लिए। और एक बात, मैंने निमांस में जाने के बाद पहली बार देखा है कि मेंटल हाइजीन की भी कितनी ज़रूरत होती है वहाँ हमारी ज़िंदगी में। मतलब हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ मेंटल हाइजीन के बारे में कोई बात नहीं करता है, लेकिन मेंटल हाइजीन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। मैंने वहाँ पर जाके देखा है बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जिनका कोई रोग नहीं है, दैट इज़ हाइजीन की, जैसे हम लोग शरीर का हाइजीन रखते हैं, ख्याल रखते हैं, सैनिटाइज करते हैं, साबुन से हाथ धोते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारे ब्रेन को भी इस हाइजीन की ज़रूरत होती है, साफ़ सुथरेपन की ज़रूरत होती है। आज के ज़माने में जहाँ लोग सोशल मीडिया से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं तो दूसरों के चीज़ें देखकर हमारे ज़िंदगी में जितना इफ़ेक्ट पड़ता है, वो जो इफ़ेक्ट है वो हमारे ब्रेन के ब्रेन में जाकर ना वो कचरे की तरह बन जाता है, और वो कचरा साफ़ करने के लिए हमें निमांस की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी नहीं भी पड़ती है। तो हम ऑनलाइन की बात करते हैं, ऑनलाइन में जो है आपको वेबसाइट में आप जाएंगे ऑनलाइन में, वहाँ पर आपको शेड्यूल, न्यू पेशेंट अगर होंगे तो आपका वहाँ पे शेड्यूल दिया रहेगा, शेड्यूल के हिसाब से आपको एटलीस्ट 2-3 महीने से पहले कोई भी डॉक्टर अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रेशन मिलने का चांसेस ही नहीं होता है। ऑफलाइन में आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ये रजिस्ट्रेशन काफ़ी 2-3 महीने या 7-8 महीने से पहले से आप ट्राई करेंगे तो मिल जाएगा। साइट का लिंक अगर डिस्क्रिप्शन में होगा तो मैं दे दूंगी, वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिर रजिस्ट्रेशन जैसे ही हो जाता है वो पेपर ले जाकर आपको फिर लाइन में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ऑफलाइन में होता है लाइन में खड़ा होने की, वो लाइन में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जाएंगे, 20 रुपये जमा करेंगे और आप वहाँ पे असेसमेंट के लिए जा सकते हैं। असेसमेंट का प्रोसीड्योर सेम है, असेसमेंट होगा उसके बाद डिपार्टमेंट चूज़ किया जाएगा। तो ये थी निमांस की कहानी, मैं बहुत दिनों से ये वीडियो बनाना चाहती थी। अगर आप लोगों को निमांस के बारे में और भी कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आने की, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ तो जहाँ भी जाती हूँ अगर मैं जो फेस करती हूँ वो इन वीडियोज़ में सहारे आप लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। तो निमांस का वीडियो यहीं तक, कुछ और कहीं और बेंगलोर के एक और हॉस्पिटल, एक और जानकारी लेकर मैं बहुत जल्द एक वीडियो बना के लाऊँगी। लॉन्ग ब्लॉग हो जाता है इसलिए वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेट से आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर बने रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी, यहाँ तक कि घूमने की जगह को भी जानने को मिलेगी, कुछ और हैंडक्राफ्ट की चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।